नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है, संभल जाए अगर शरीर के इन हिस्सों में है दर्द। जी हाँ दोस्तों, आजकल के खान पान से लोगों को कई तरह की बीमारियाँ पनप जाती हैं। वही शरीर में कई ऐसे दर्द उत्पन्न हो जाते हैं जिससे जीना मुश्किल हो जाता है। अगर ये दर्द काफ़ी समय हो रहा है तो इससे नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। शरीर में होने वाले कुछ दर्द जिन्हें कभी इग्नोर करने से समस्या बढ़ सकती है और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। छाती में दर्द, सीने में दर्द और रैठन होना एक संकेत है हार्ट अटैक होने का। सीने में दर्द रहने का मतलब है कि आपके दिल को खून से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। सीने में दर्द की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। जोड़ों में दर्द, हमारे शरीर में कई जोड़े हैं लेकिन इन जोड़ों को छूने पर या दबाव पर इनमें दर्द होता है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, यह गठिया रोग के संकेत हो सकते हैं। जोड़ों में बोन प्लड या मेम्ब्रेन में बदलाव आने पर, हड्डियों का बीच चिकनाहट कम हो जाने पर दर्द होने लगता है। इसका तुरंत उपचार करवाना ज़रूरी होता है, अन्यथा चलने फिरने या किसी भी काम को मुश्किल हो जाते हैं। सिर दर्द, सिर में होने वाले दर्द को सबसे आम माना जाता है। मानसिक तनाव, अवसाद, शरीर के अधिक सेवन, थकान, शोरगुल की वजह से सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन अक्सर सिर में दर्द रहने का मतलब नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी या माइग्रेन होने का संकेत हो सकता है। सिर में असहनीय दर्द और हाथ पैर में कमजोरी हो रही हो तो ब्रेन स्ट्रोक और खून का थक्का बन जाने का खतरा हो भी सकता है। कमर दर्द, झुके झुके काम करने से, बॉडी पोस्चर ठीक न होने की वजह से आपको लोअर बैक पेन भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में 32 वर्टिब्रे होती है जिनमें से 22 गति करते हैं। जब इनकी गति ठीक नहीं होती तो कई समस्याएं होने लगती हैं। पेट दर्द, पेट दर्द को भी बहुत सामान्य दर्द समझा जाता है लेकिन अक्सर रहने वाले पेट में यह दर्द खतरनाक हो सकता है। खाने के कुछ देर बाद पेट में दर्द होने लगे तो अल्सर हो सकता है। अचानक पेट में दर्द होने के साथ ही जी मचलाने लगे, घबराहट हो और एसिडिटी जैसा लग रहा हो तो पैंक्रियाटाइसिस की समस्या हो सकती है। किडनी और पित्त की थैली में पथरी होने पर भी पेट में दर्द होने लगता है। पैरों में दर्द, पैरों में दर्द होने पर मालिश करने की सलाह दी जाती है लेकिन पैरों में सूजन, झुनझुनाहट हो, अंगूठे और उंगलियां सुन पड़ रही हो और पिंडलियों में असहनीय दर्द होने पर ये साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। चलने में दर्द हो और पैर लटका कर रखने से पैरों में दर्द होने लगता है तो ये वैस्कुलर पेन की वजह से हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पैर के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।